ये सिक्लिक पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सिक्लिक पेपर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है ये सिक्लिक पेपर एंड ऑल्सो कैसे डाउनलोड करना है, आज के एक ही वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं। तो ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सिक्लिक पेपर है, कुवैत में आप किसी मेडिकल में जाओगे, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ बीमारी हो गई है, आप मेडिकल में जाओगे, जाने के बाद डॉक्टर ने आपको 3 दिन का 6 दिन का हफ्ते दिन का रेस्ट दिया है। अभी आप काम करते हो किसी भी कंपनी में, कोई कंपनी में या किसी भी जगह में आप काम करते हो, वहाँ पे आप ड्यूटी में नहीं जा सकते हो क्योंकि डॉक्टर के द्वारा आपको रेस्ट दिया गया है। तो ये जो जितना दिन का आपको रेस्ट मिलेगा उतना दिन का अगर आपको सैलरी चाहिए तो आप लोगों को सिक लीव पेपर अपना कंपनी को देना पड़ेगा ताकि आपको सैलरी मिल जाए एंड आपका कंपनी को पता चले कि आपको ये बीमारी था जिसके लिए ड्यूटी में आप नहीं आ पाए। तो ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आजकल किसी भी मेडिकल, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे या क्लिनिक में जाओगे ऑनलाइन के द्वारा दिया जाता है, तो ऑनलाइन से ही आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ता है। तो चलिए मेरा कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को ओपन करना है गूगल, अपना मोबाइल पे कर सकते हैं या कंप्यूटर में, आप दोनों जगह में ही कर सकते हैं। तो आप लोगों को ओपन करके सर्च करना है MOH Kuwait लिखें, आप लोगों को सर्च करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले जो वेबसाइट मिलेगा आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत होम, इसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखोगे जो कोविड का जो वैक्सीन का डोज लगा हुआ है इसका अपडेट रहेगा। आप लोगों को जाना है नीचे ई सर्विस पे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ई सर्विस में बहुत सारा सर्विस है, फूड अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बलदिया कार्ड बनाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एंड बहुत अदर सर्विस भी है। तो हमें देखना है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल सर्विस। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल सर्विस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिक लीव, मेडिकल रिपोर्ट, वैक्सीनेशन हिस्ट्री, यहाँ से हम लोग सिक लीव भी देख ले सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी ले सकते हैं। सिक लीव में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन दिया गया है, हमें डालना है क्या, सिविल आईडी नंबर एंड पासवर्ड। सिविल आईडी नंबर आपके पास ऑलरेडी है, पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम डाल देते हैं सिविल आईडी नंबर एंड पासवर्ड एंड लॉग इन करके हम आपको दिखाते हैं। तो एक बार आपको डालना है सिविल आईडी नंबर एंड पासवर्ड, फिर एग्री पे क्लिक करना है, फिर आपको क्लिक करना है लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करने के साथ ही साथ आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपका नाम लिखा रहेगा, क्लिनिक, हॉस्पिटल, डेंटल, आपने कहाँ पे मेडिकल किया है, क्लिनिक पे, हॉस्पिटल पे या डेंटल पे। तो हमने जो जिसका चेक कर रहे हैं उन्होंने किया है क्लिनिक पे, तो हम क्लिनिक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए सिविल आईडी का नंबर है, विजिट डेट कितना तारीख को विजिट किया गया है, डॉक्टर का नाम रहता है, क्लिनिक का नाम रहता है एंड ऑल्सो डेज में देखिए 3 दिन का सिक लीव दिया गया है डॉक्टर के द्वारा। अभी हम डिटेल्स में जो एक पीडीएफ का जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसी पे हमको क्लिक करना है। इसी पे हम एक बार क्लिक करने से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल्स आ जाएगा, आपका वर्क प्लेस कहाँ पे काम करते हो, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ आ जाएगा। नीचे प्रिंट में हम लोग क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आ जाएगा, इसी को प्रिंट करके हमें देना है अपना कंपनी को। तो गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा एकदम सिंपल प्रोसेस है, आप लोग खुद अपना साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ज़रूरी है जब भी आप सिक हो जाओ ये सिक लीव का सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपना कंपनी को देना ताकि आपको सैलरी मिल जाए, जितना दिन भी आप काम पे नहीं आए हो उतना दिन का आपको सैलरी मिले। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थैंक यू सो मच।